मेरा नाम है जी अमरजीत सिंह चावला, पर लोग हूँ मैं द टर्बन ट्रैवलर के नाते जानते हैं। तो मैं दिल्ली का रहने वाला आ गया। चावला साहब, इतों लैके जो सफर है जो शुरू किया हूँ कितने जा रहे हो? सफर की शुरुआत हुई सी ओरिजिनली तो अज तो 40-45 साल पहले यह आइडिया आया सी दिमाग करन दा। इस वक्त मैं 19 साल का सीगा, तो किसी वजह नाल इस वक्त नहीं होया। तो 2018 फिर आया सीरियसली दिमाग कि भाई हुण कुछ करना चाहिए है। उस वक्त मेरी उम्र सी 58 साल। तो 58 साल की जिसको तुहाड़ी उम्र होंदी है, मेरे हिसाब नाल तो जिंदगी शुरू ही 60 तो बाद होंदी है एक्चुअली। तो तब तुसी वो सारे काम कर सकते हैगे हो जो जिस वक्त तुसी यंग होंदे हैगे हो, या तुहाडे बिजनेस काम कर रहे होंदे हो, या बच्चों की जिम्मेवारियां होंदियां ने, वो सारा कुछ भुगता के बैठे होंदे हैगे हो। तो फिर जिहड़ा भी मन विच तुहाडे काम होए वो करना चाहिए। तो मैनू भी यह समझ आया कि जिंदगी जिहड़ी हैगी हुण तकरीबन 80% तो निकल गई, तो हुण वो करना चाहिए जो तुसी रियली करना चाहते सी। तो मेरे जब बकेट लिस्ट बनाई तो मेरे मन च आया कि भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करना है अपनी गड्डी द्वारा। सो 2018 दे विच जुलाई विच आई स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू लंडन। वो ट्रिप सीगा पहले तो लिखा सी 23,000 किलोमीटर 23 कंट्री। तो असी वाया चाइना होके नेपाल तो चाइना तो फिर सेंट्रल एशिया किर्गिस्तान कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान रशिया तो पहुँचे। तो उत्थे मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई सी, सो मैं महीने वास्ते वापस आना पिया एस्टोनिया एंटर करके, जिहड़ा कि यूरोप का पहला बॉर्डर सीगा। तो जिस वक्त मैं वापस आया तो इतने सब कुछ मैं एक हफ्ता हॉस्पिटल रहा, उसके बाद सारा ट्रीटमेंट वगैरह होया। तो कर देना क्या हूँ शौक पूरे हो गए छोड़ो की करना है, तो मैंने लगे नहीं हूँ तो फिर हूँ तो बात करना है। फिर मैं वापस आया जिस वक्त यही गड्डी सी, मेरे नाल मेरा कैमरामैन सीगा, इस गड्डी के बोनट के उत्ते नक्शा रखिया बिल्कुल फिल्मी अंदाज। मैं क्या लुकमान गिण यार किन्ने कंट्री ने यूरोप के अंदर शैनेगन वीजा के अंदर जो आते हैं 27 कंट्री सी। मैं क्या सारे 27 के 27 करा। तो असी फिर 30 कंट्री यूरोप के सारे से किते। तो कई लोगों को लगता कि भी दिल्ली तो लंडन 40,000 किलोमीटर किस तरह हो गया, तो उन्होंने लोगों को यह नहीं पता कि असी सारा बहुत पूरा घूमे हैं उत्तों तो लैके थले तक। एस्टोनिया तो एस्टोनिया लैटविया लिथुएनिया उतों वापस आए, फिर फिनलैंड गए, फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे डेनमार्क जर्मनी तो बाद उत्थे अपना बेल्जियम होकर नैदरलैंड आए। फिर जब नैदरलैंड आए तो लगे कि ईस्टर्न यूरोप तो रह गया, फिर पूरा जर्मनी क्रॉस किया, तो फिर जाके प्राग गए, उस बाद हंगरी गए, स्लोवेनिया स्लोवेकिया ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड इटली यह सारा किया। उस बाद 3 बारी चक्कर मारिया स्विट्जरलैंड का, कोई ना कोई दोस्त यार उत्थे रह गए जिहड़े मिलने वास्ते। फिर स्पेन गए, मोनाको स्पेन, फिर पोर्चुगल तक गए, पोर्चुगल तो फिर फ्रांस आए। सो कुल मिला के असी 30 कंट्रियां जिहड़ियां उस ट्रिप च कीतियां। सो वो ट्रिप जिस वक्त साडा खत्म होया लंडन जिस वक्त, तो मैनू लग्या कि यह की होया तो हुण बस खत्म। तो एक्चुअली वो खत्म नहीं सी, वो जर्नी दी मेरी शुरुआत सी। वो ट्रिप ते किन्ना खर्चा आया तुहाडा? उस ट्रिप दे उत्ते तकरीबन 35 लाख रुपया, 35 तो 40 लाख रुपया, 35 लाख इस करके कि 35 लाख एक्चुअली कॉस्ट सी, 5 लाख रुपये साढ़े अपने परसनल एक्सपेंसिस सी, मेरी फैमिली भी आ गई सी, फिर 15 दिन वो भी रहे। 2018 जुलाई से शुरू किया सीगा, खत्म होया सीगा, सानू 4.5 महीने लगे सी ट्रैवल टाइम। असी 31 दिसंबर 2018 नू वापस आए सीगे, गड्डी शिप करती सी असी बाई एयर वापस आए सीगे। तो फिर वापस आने तो बाद फिर उत्थे तुहाडे वर्गा कोई पत्रकार सीगा, उन्हें एक चुटकी लै ली कि भाई तू घूमदे पे हो सारा, कभी अपना मुल्क पूरा वेख्या जे कि नहीं? तो मैं क्या हाँ देखिया, किन्ने स्टेट ने तुहाडे? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं आ सके, फिर मैं देखे गूगल करके तो तब 29 स्टेट सके। फिर मैंने प्रोमिस किया, मैं क्या मैं पहले जाके अपने पूरे करूँ 29, तो फिर तेरे आके तेरे 50 पूरे करूँ। अमेरिका अमेरिकन सीगा, तो मैं अमेरिका 5 साल रहा, मैं क्या तेरे भी 50 पूरे करूँ। तो वो थोड़ा शैतान सीगा, वो हर हफ्ते मैं व्हाट्सएप पा रहे कि जी हे मरजीत व्हाट हैपन आर यू स्टिल डूइंग और नॉट। तो फिर मैं लगे यार करना पैना सीरियसली, हाँ जरूरी भी है। देखो जब तुम बाहर घूमते है तो जब तुम अपना मुल्क ना वेख्या हो तो शर्म की गल हैगी। हूँ असी देखो मेरी उम्र 64 साल की हैगी, असी नॉर्थ इंडिया रहने वाले दिल्ली रहने वाले हैं, तो कितने जाने पहाड़ घूमना हो तो कितने जाके शिमला मसूरी इस पास ही आ गए जी, कश्मीर चले गए हाथों हाथ। नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं वेख्या,
नॉर्थ ईस्ट इन्ना सोहना हैगा कि जब बयान नहीं किया जा सकता। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट सारा किया, सारे जी सैवन सिस्टर वन ब्रदर जिन्होंने कहने सिक्किम सुक्किम सारा मेघालय अरुणाचल प्रदेश सारा किया। सो 29 स्टेट्स इंडिया के घूमे। नक्शा अगर तुम देखो एक तरफ जो बॉर्डर शुरू होता है इंडिया का कच्छ तो लैके तो बंगलादेश तक जी कोस्ट बॉर्डर लाइन हैगी वो सारी मैं की हैगी, क्रिस क्रॉस सारा पूरा इंडिया किया। हूँ यह साड़ी एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। 2018-19 मैं वापस आया उस साल गुरु गोबिंद सिंह अपना गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब सेगा। सो असी जो इंडिया घूमना सगा तो असी उसकी रिसर्च कर रहे थे तो मैंने पता लगे कि गुरु नानक देव जी ने तो 28 चो 29 चो 27 कंट्री तो मतलब स्टेट्स तो गए हुए थे। तो हर जर्नी का एक मकसद होंगे है, बिना मकसद के तुम्हें कोई जर्नी करनी नहीं चाहिए। अगर तुम कहते हो किसी टूरिज्म वास्ते कर रहे हैं अपने फन वास्ते कर रहे हैं वो भी मकसद हैगा, ठीक है ना। तो हर बिना मकसद के कोई जर्नी नहीं करनी चाहिए, पर साढ़े वास्ते सानू एक ऐसा मकसद मिल गया जिहड़ा कि बड़ा ही नोबल कॉज सीगा। असी फिर गुरु नानक देव जी की यात्रा जी है जो उन्होंने उदासियां कीतियां सीगियां, फिर मैं तो मेरे मिसिज ने सी दोनों ने 8 महीने 44,000 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया इनकलूडिंग 6 नेबरिंग कंट्रीज़ जिद अंदर पाकिस्तान भी शामिल सीगा, तो पाकिस्तान तो लैके सारे कोस्टल वाले श्रीलंका तक वो किए। उसके बाद फिर 2020 400 साल सीगा गुरु गोबिंद गुरु तेग बहादुर साहब जी का, नाल करोना भी आ गया, असी करोना दे विच भी उन्हां दी जर्नी कर रहे सीगे। फिर 21 विच थोड़ा जिहा अटैच किया, फिर 22 च असी फिर गुरु नानक अपना गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की जर्नी शुरू करती। तो हुण जिहड़ा मेन टीचा सी साडा वो सीगा कि असी 7 कॉन्टीनेंट करने ने। मेरी गड्डी ते देखोगे सब ते लिखिया होगा इस जर्नी ऑफ 7 कॉन्टीनेंट्स। तो 5 लाख किलोमीटर की जर्नी हैगी जिहदे अंदर 1,000 दिन लगन गए, इट कैन बी मोर 1,000 मतलब जिहड़े नंबरस ने सिंबोलिक नंबरस ने, तो पौने 3-3 साल लगनगे दे उत्ते जिहदे अंदर 200 कंट्रीज़ ने असीं पूरे करांगे। वैसे मैं 87 कंट्रीज़ कर चुके हैगा 47 इस गड्डी दे द्वारा, तो 40 कंट्रीज़ मैं उन्होंने मुल्कां जाके उत्थे दी गड्डी रेंट करके या कैरावैन या मोटर होम रेंट करके उहदे च कर चुके हैगा। लेकिन जिथे मैं उत्थे कंट्रियां दे मोटर होम च लगे या गड्डियां लैके रेंट करके चलाईयां गड्डियां मैं उत्थे भी दोबारा जावांगा। तो ऐसी गड्डी दे द्वारा 5 लाख किलोमीटर पूरे करांगा, तो पौने 2 लाख किलोमीटर मैं चला चुके हैं इस गड्डी नूं जो मैं चलाई हैगी। वैसे 2.25 लाख हैगी है, तो टोटल मीटर का 2.75 चलिया हुआ है। फैमिली कौन कौन है? फैमिली भी मैं हाँ, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे ने, एक बेटी है एक बेटा है। बच्चे की कहते इस ट्रिप बच्चे देखो जी बड़े खुश ने बच्चे। साड़ी उम्र च ना जो छड़ना जिन्होंने कहते ना देना देना मतलब आराम करना टाइम नहीं आराम के बाद जाता है। पावर तो मनी ये दो चीज़ें इस तरह ने जड़िया छड़नियाँ बड़ी औखिया होंगे ने। तो साड़ी उम्र जो बुढ़े ने ना जड़े वो छड़ के राजी नहीं, अपने बच्चों नू दे के राजी नहीं, वो कहते हैं मरांगे असी उसके बाद तेरा है उसके बाद वो किस काम आना ज जींदे जी तुसी उन्हू जिहदी लोड़ है तो नहीं दे सकते तो की फायदा। कहने का भाव हैगा कि मैं देखा कि मैं मेरा असी साडा जॉइंट बिजनेस सीगा नहीं मतलब हैगा वैले भी हैगा मेरा बेटा मैं गारमेंट एक्सपोर्ट। ए टू जेड समस्या का समाधान मियाँ करीम खां, कॉल या व्हाट्सएप करो 99-150-90-403। किसी भी तरह का होवे काम 11 घंटियां च फटाफट 101% समाधान, गारंटी कार्ड दे नाल। काले इलम दी काट साडे कोल, पति पत्नी अते प्रेमी प्रेमिका वस च करवाओ, कीता कराया जादू टोना, मनचाया प्यार वशीकरण, मुठकरनी करवाओ या तुड़वाओ, नौकरी कारोबार च रुकावटां, सोतन दुश्मन तो छुटकारा, घर च खून दे छिट्टे आने, बच्चियां दा पढ़ाई च मन ना लगना, प्रेमी प्रेमिका दा 100% वशीकरण करवाओ, घर बैठे हर समस्या दा समाधान सिर्फ 11 घंटियां च।